मिल पॉन्ड की निक्सी। ये किस्सा है एक आवाज का। मेरे प्यारे शिकारी, मेरे पास आओ। मेरी जान, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? ये फिर से वही आवाज। अरे फिर से? ये आवाज तुम्हें हर रोज सुनाई देती है। हाँ, पता नहीं मैं इस आवाज के बारे में क्या करूँ। कोई भी मेरी मदद नहीं कर सकता। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ एबिगेल, और झूठ नहीं बोल सकता। और सच ये है कि मैं बहुत डरा हुआ हूँ। मुझे डर है कि मैं उससे हमेशा के लिए नहीं छुप सकता। वो मुझे ढूंढ लेगी। वो निक्सी, मिल पॉन्ड की निक्सी। मिल पॉन्ड की निक्सी, हाँ, ये उस शक्ल बदलने वाली पानी की परी का किस्सा है जो हुंडो गांव के मिल पॉन्ड में रहती थी। वो गांव जहां आर्थर पैदा हुआ था। मैं अपनी गरीबी से तंग आ गया हूँ। मैं उन मिल के मालिकों की तरह रईस क्यों नहीं हो सकता जिनके यहां मैं काम करता हूं? पर क्या तुम खुश नहीं हो ऑगस्टस? ओ बेशक हाँ मैं हूं जान, मुझे माफ करना, मैं इतना उदास हूं। तुम ही मेरा सहारा हो, पर मुझे अफसोस होता है कि मैं तुम्हें वो सारी खुशियां नहीं दे सकता हूं। पर मैं इसी में खुश हूं। वो इसलिए क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि पैसों से क्या क्या कर सकते हैं। हम सबसे महंगी गाड़ी में घूम सकते हैं और सबसे महंगे कपड़े खरीद सकते हैं। मुझे तुम्हारी फिक्र होती है ऑगस्टस। अगर जो हमारे पास है उससे हम खुश नहीं हैं, तो ये मुसीबत को बुलावा देने जैसा है, समझे तुम? रहने भी दो गर्डा, रईस होने के बारे में सोचना गलत नहीं है। कम से कम उम्मीद तो कर सकते हैं। बहरहाल मुझे मिल के लिए देर हो रही है, शाम को मिलते हैं, ठीक है? तुम दोनों अपना ख्याल रखना, ठीक है? ऑगस्टस एक आम जिंदगी जी रहा था और अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, पर उसे रईस बनना था, इसलिए वो हमेशा गमगीन रहता था। क्या हुआ दोस्त, तुम परेशान लग रहे हो, सब दुरुस्त तो है? मेरी बीवी को लगता है कि ज्यादा पैसे की ख्वाहिश करना गलत है, पर मुझे पता है मैं गलत नहीं हूँ। रईस बनना तो मेरी दिली ख्वाहिश है। ख्वाहिशों की चुंगल में मत फंसना दोस्त, कहीं ऐसा ना हो कि निक्सी तुम्हें सुन ले। ये निक्सी क्या है? तुम्हें नहीं पता? वो एक शक्ल बदलने वाली पानी की रूह है जो लोगों की कमजोरियों पर जीती है, इसीलिए अपनी कमजोरियों को किसी को बताना नहीं चाहिए जोर जोर से। और तुम इस पर यकीन करते हो? छोड़ो भी। निक्सी के उस किस्से को ऑगस्टस ने नजरअंदाज कर दिया। तकरीबन रात हो चुकी थी जब वो मिल से निकल कर घर की तरफ जा रहा था, और रास्ते में ला, ला, ला। La 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 Ra La 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 एक मिनट, ये कौन गा रहा है इतनी दर्द भरी आवाज में? पेड़ के पीछे ऑगस्टस ने एक खातून को देखा जो दरिया किनारे पत्थरों पर बैठी थी। उस खातून के बारे में कुछ तो अलग था, वो चमक रही थी। मोहतरमा, क्या आप ठीक हैं? तुम्हें लगता है कि मैं सोने के लिबास में ज्यादा अच्छी लगूंगी? हाँ, माफ करना। एक पल के लिए ऑगस्टस को लगा कि वो कोई दीवानी खातून है जो जंगल में खो गई है। आपका नाम क्या है मोहतरमा? ओह, मैं मिल पॉन्ड की निक्सी हूँ। तुमने मेरे बारे में तो सुना ही होगा। अचानक ऑगस्टस को एहसास हुआ कि ये वही खातून है, और वो खौफ के मारे कांपने लगा। ओह, फिर तो तुमने मेरे बारे में वो गलत अफवाहें भी सुनी होंगी। उन्होंने तुमसे क्या कहा? कि मैं एक भूत हूँ? अगर मुझ जैसी जादुई रूह उन्हें मदद करने से मना करते, तो इंसानों से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? क्यों? जानते हो, मैं किसी भी ख्वाहिश को पूरा कर सकती हूँ, पर उसकी कीमत चुकानी होती है, समझे? कैसी किस्मत?
जब इंसान इस जंगल से बाहर जाएंगे तो पहली चीज जिस पर उनकी नजर पड़ेगी वो मेरी होगी। ये कुछ भी हो सकता है, कोई पत्थर या कोई पेड़। ये तो आसान लगता है। बिल्कुल, और इसके बावजूद उन्हें ये फ्री में चाहिए। अगर मेरे हाथ में होता तो मैं उन्हें मुफ्त में ही दे सकती थी, पर मैं नहीं कर सकती, ये उसूलों के खिलाफ है। और शायद इसी वजह से मुझ जैसों की किस्मत में हमेशा अकेले रहना लिखा है। उसकी दर्द भरी और नेक आवाज ने अगस्तस के दिल को छू लिया था। हाँ, शायद लोग इस रूह के बारे में गलत सोचते हैं। अगस्तस पास के ही एक पत्थर पर बैठ गया और उसने निक्सी को अपना किस्सा सुनाया। उसने गौर से सुना और उसके दर्द को समझा। ओह, गरीब होना बहुत अफसोस की बात है। मैं जानती हूँ कि हर माँ बाप अपने बच्चे को सबसे बेहतरीन चीजें देना चाहता है, और वैसे भी तुम एक बहुत ही अच्छे इंसान हो। पर जानते हो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम वो पहले इंसान हो जिसने मुझ बेचारी निक्सी के लिए हमदर्दी जताई है। सच में तुम मेरी मदद करोगी? अफसोस, चाहे मैं कितना भी चाहूँ तब भी मैं किसी को भी सब कुछ मुफ्त में नहीं दे सकती हूँ। बेशक, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जंगल छोड़ने के बाद जो चीज मुझे पहले दिखेगी वो मैं दे दूंगा। ओह, बहुत खूब। निक्सी ने अगस्तस के ऊपर जादुई धूल छिड़की और वहाँ दो थैले सोने के आ गए। ये तो भारी है। मैं इसे घर पहुँचाने में तुम्हारी मदद करती हूँ अगस्तस। निक्सी को पता था कि अगस्तस थैले को पकड़ने में मशगूल है, तो वो गौर नहीं फरमाएगा। इससे पहले कि वो कुछ कहता, निक्सी ने उसे हवा में उछाल दिया। ये क्या हो रहा है? तुमने खुद ही कहा ना कि तुम्हें इन थैलों को घर ले जाने में मदद चाहिए। क्या? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। पर निक्सी ने अपनी जादुई धूल छिड़की और अगस्तस उड़ गया। बाय, ओ ईमानदार इंसान, मेरे वादे को मत भूलना बस। अगस्तस जानता था कि जंगल अब खत्म ही होने वाला है। उसने जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली ताकि वो अपने खानदान में से किसी को ना देख पाए। पर अचानक, अरे वो तो अगस्तस है, उड़ रहा है। पर अगस्तस ने अपनी आंखें नहीं खोली। अगस्तस, नीचे आ जाओ। अगस्तस ने फिर भी आंखें बंद रखी। इतनी देर क्यों लग रही है? अब तक तो मुझे अपने घर के पास पहुँच जाना चाहिए था। पर अगस्तस को इस बात का इल्म नहीं था कि निक्सी के पास उसके खानदान के लिए एक अलग ही मंसूबा था। उसने जानबूझकर ज्यादा धूल छिड़की ताकि जब अगस्तस अपने घर पहुँचे तो वो सीधा अपने घर की चोटी पर पहुँचे, और आखिर में अगस्तस सीधा अपने घर के ऊपर पहुँच गया। अरे मैं रुक क्यों गया? शायद मैं घर पहुँच गया। यहाँ इतनी शांति है, शायद आसपास कोई है ही नहीं। मैं चुपके से एक झलक ले लेता हूँ। और जैसे ही अगस्तस ने नीचे देखा, मैं एक बाप हूँ, ये तो मेरा बेटा है। पर अगस्तस की खुशी थोड़ी देर के लिए ही थी। नहीं, ये मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर दिया? मुझे इतनी देर तक हवा में नहीं होना चाहिए था, मुझसे फरेब हुआ है। कोई भी नहीं समझ पाया कि अगस्तस क्यों रो रहा है और उसके आसपास सोने के दो थैले क्या कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में निक्सी अगस्तस के बेटे को ले गई? ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि कहानी अभी बाकी है।